सो दोस्तों, आज की जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो आई है 2022 में। इस मूवी में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें सभी बच्चे आराम से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक एक करके सभी बच्चे जॉम्बी बनने लगते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। आखिर ये सब कहाँ और कैसे शुरू हुआ? आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको यह मूवी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक कोरिया की, और हमें शुरू में स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर चार स्टूडेंट्स मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं, और वो स्टूडेंट का नाम जिंजू होता है, और वो स्टूडेंट जिंजू को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी जिंजू की बॉडी में कुछ अजीब किस्म की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, और जिंजू की बॉडी को देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो जॉम्बी में बदलने वाला है। और फिर जिंजू उठकर एक स्टूडेंट को मारने लगता है जो जिंजू को बुरी तरह से मार रहे थे। अब वो जॉम्बी की तरह रिएक्ट करता है, और जैसे जॉम्बी किसी पर अटैक करने लगते हैं और वो किसी को भी नहीं देखते। और जब जिंजू एक स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो फिर वहीं नीचे रोड पर गिर जाता है। अब रोड पर गिरने के बाद वो बिल्कुल भी अब नहीं हिलता। अब वो चारों स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जिंजू मर गया है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम जिंजू को देखते हैं। अब जिंजू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और यहीं पर जिंजू के फादर्स उसे मिलने आते हैं जिनका नाम मिस्टर ली था। और अब यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, लेकिन जिंजू को ये बात पहले से ही पता था कि वो जॉम्बी बन सकता था, और उसके फादर भी इस बारे में जानते थे कि जिंजू जॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर जिंजू अपने फादर पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर ली एक बाइबल उठाते हैं और जिंजू के तरफ कर देते हैं। फिर इसके बाद मिस्टर ली जिंजू को एक बैग में बंद करते हैं और उसको हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। तभी जिंजू का हाथ उस बैग से बाहर आता है और अपने फादर के हाथ को पकड़ लेता है, और यहाँ पर यह पता चलता है कि जॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरते। और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और अब हम सीन कुछ दिन बाद का देखते हैं जहाँ पर हमें एक कोरिया का स्कूल दिखाया जाता है। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि गर्मियों का सीजन जा चुका है और ठंड का सीजन आ गया है। और यहाँ का एक कल्चर भी है कि सभी स्टूडेंट को स्कूल की सफाई खुद करनी पड़ती है, और सभी स्टूडेंट इन्हीं काम में लगे हुए हैं। तभी हमें एक साइंस लैब दिखाया जाता है, और इस लैब में हमें एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठती है। ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में हमने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था जो जिंजू को मार रहे थे, और ये लड़की उन लोगों के साथ शामिल थी। और जब ये लड़की साइंस लैब से बाहर आने लगती है तभी इसको एक अजीब सी आवाज़ आती है, और जब वो देखती है तो एक बॉक्स में एक चूहा बंद था, और वो अब उस चूहे से प्यार करने लगती है और अपनी फिंगर के इशारे से उस चूहे को अपने पास बुलाती है। और तभी वो चूहा उसकी फिंगर को काट लेता है, और जब चूहा इसको काटता है तो इसकी फिंगर से ब्लड आने लगती है, और वो चूहा अगले ही पल जॉम्बी बन जाता है। और अब हमें पता है कि अगर चूहे ने इस लड़की को काटा है तो ये भी जॉम्बी में बदल जाएगी। और वहाँ पर लैब के टीचर आ जाते हैं, ये मिस्टर ली थे। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलता है कि मिस्टर ली इनके साइंस के टीचर थे। और जब मिस्टर ली को ये बात पता चलती है कि इस लड़की को चूहे ने काट लिया है तो मिस्टर ली इस लड़की को बाहर जाने नहीं देते और इसको अंदर ही बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं, और इसके मॉम का एक रेस्टोरेंट होता है। अब इसके सभी फ्रेंड्स इसकी मॉम के रेस्टोरेंट पर जाने के लिए उससे कहते हैं, और श्वान अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी मॉम के रेस्टोरेंट पर ले जाता है। और यहाँ पर हमें इस सीरीज की एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है ओन्जो। अब इस रेस्टोरेंट में ये सब खाना खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, और साथ ही अपने स्कूल के टीचर्स की बातें भी करते हैं। ये मिस्टर ली की बातें कर रहे थे कि जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो सबके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव करते हैं। और यहाँ पर ये लोग जिंजू की बातें कर रहे थे। अब जिंजू गायब हो गया था, और हम लोगों ने लास्ट सीन में उसको एक सूटकेस में बंद देखा था। इसके बाद जिंजू का पता किसी को भी नहीं था, और फिर इसके बाद ही लोग उठकर बाहर जाते हैं, और हमें पता चलता है कि सैन ओन्जो को पसंद करता था। ओन्जो सैन से अपने बाल खोलकर पूछती है कि वो कैसी लगती है। अब सैन इस बात को सोचता है कि शायद ओन्जो भी उसको लाइक करती है। इसके बाद वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं, और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसको मिस्टर ली ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी तक वो जॉम्बी नहीं बनी थी। और फिर अगले सुबह हम ओन्जो को देखते हैं जो अपने फादर्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी। इसी दौरान उसके घर सैन आ जाता है, और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि सैन और ओन्जो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, और यहाँ पर ये गेम भी खेलते हैं।
और डिसाइड करते हैं कि जो इस गेम में हारेगा वो जीतने वाले का बैग्स को स्कूल तक लेकर जाएगा। अब ओंजो इस गेम में हार जाती है और वो सैन का बैग लेकर स्कूल तक जाती है। इसके बाद ही दोनों स्कूल आ जाते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा था और स्कूल में सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। इसके बाद हम वहीं लड़कों को देखते हैं। अब फिर सभी लड़के स्कूल के एक लड़का और एक लड़की को बैक वाले बिल्डिंग में ले जाते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब ये सभी लड़के उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारते हैं और ये सभी लोग ये समझ रहे थे कि जिंजू के गायब होने की खबर पर टीचर को इसी लड़के ने बताया है और वो जिस लड़की को अपने साथ लाए थे उसके साथ खराब सी वीडियो बनाने लगते हैं और उस वीडियो से उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है थर्ड मेन कैरेक्टर की जिसका नाम होता है सोयुक। सोयुक उस लड़की को बचाता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है और तभी इसको जाते हुए लास्ट स्टेप में ओंजो देख लेती है जो इसको देखकर अपने बाल खोल देती है। और यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है कि ओंजो सैन को नहीं बल्कि सोयुक को पसंद करती थी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सोयुक और सैन दोनों फ्रेंड्स थे और फिर उनकी क्लास में उनकी क्लास टीचर आ जाती है। वो उन सबसे मोबाइल कलेक्ट करने लगती है और सबसे उस गायब होने वाली लड़की के बारे में पूछती है। तभी एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि उसने उसे लास्ट टाइम साइंस के लैब में देखा था। अब टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए साइंस लैब में आ जाते हैं लेकिन मिस्टर ली उसको साफ मना कर देते हैं कि वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी। तभी वहाँ पर टीचर को अंदर से अजीब सी आवाज़ आती है लेकिन मिस्टर ली उसको कहते हैं कि उसने एक चूहे को बंद किया हुआ है और ये आवाज़ उसी चूहे की होगी। जब टीचर वहाँ से चली जाती है तब हम उस लड़की को देखते हैं जो पूरी तरह से जॉम्बी बन चुकी थी। तभी मिस्टर ली उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। मिस्टर ली शायद उस लड़की पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो लड़की मिस्टर ली से कहती है कि मुझे मत मारना। तो मिस्टर ली उसको कहते हैं कि हाँ उम्मीद करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शायद वो ये जानते थे कि ये लड़की मरने वाली है। फिर इसके बाद मिस्टर ली यहाँ से क्लास में चले जाते हैं जहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो अभी भी उस लड़की को तंग कर रहा था जिसने पहले उस लड़की की वीडियो बनाई थी। ये लड़का उन्हीं लोगों में से था जिन लोगों ने जिंजू को भी मारा था। यहाँ पर मिस्टर ली एक वायरस का टॉपिक पढ़ा रहे थे। अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बुक में गलत लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ लड़की भी छूट जाती है जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था और वो अपने क्लास में अपने क्लास टीचर के पास आ जाती है और वो अपने क्लास टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ था। क्लास की सभी स्टूडेंट इसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लड़की ये भी बताती है कि मिस्टर ली ने उसको अजीब सी एक इंजेक्शन दिए हैं और ये सभी बातें पूरी क्लास में फैल जाती है। तभी जल्दी से सोयुक उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाता है और ओंजो भी सोयुक के पीछे चली जाती है। और जब उस लड़की को बेड पर लेटाया जाता है तो वो ओंजो के हाथ पर काट लेती है और फिर वो बार बार काटने की कोशिश करती है और अंत में जाकर वो डॉक्टर को भी काट लेती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद में उसे मेन हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है मगर एम्बुलेंस और पुलिस बुलाने के चक्कर में स्कूल प्रिंसिपल मिसेस पार्क पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और ये कह देता है कि स्कूल के मामले स्कूल में ही निपटने चाहिए, तो बिना पूछे आपने ऐसा क्यों किया। फिर हम ली को देखते हैं जो प्रिंसिपल से कहता है कि ओंजो को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, आप सब ने उसको हॉस्पिटल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस बात पर प्रिंसिपल उसको डांट देता है और ये कह देता है कि आपने अपने बेटे की मौत के बाद अपने आप को खो दिया है, इसीलिए आप ये सब गलत काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि अब तक आपने ये बात नोटिस करी होगी कि जिंजू की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों ये मूवी ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण से हमने इसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो कुछ ही दिन बाद आपको इसका अगला पार्ट हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस मूवी का नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।